नमस्कार, मैं हूं पूजा चौरसिया, आपके साथ स्वागत है आपका उत्तराखंड न्यूज में। हल्द्वानी में करीब 7 करोड़ की लागत से बने महिला चिकित्सालय के नव निर्मित भवन का लोकार्पण करने पहुंचे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। लोकार्पण करने के बाद उन्होंने कहा कि राज्य में बदहाल पड़ी स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, जिसको देखने के लिए प्रदेश के दूरस्थ इलाकों के बड़े अस्पतालों में नई तकनीकों की मशीनों को लाया जा रहा है। जल्द ही 50 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की जाएगी, जिससे जनता को इलाज के लिए भटकने की जरूरत नहीं होगी। जामरानी बांध के मुद्दे पर सीएम त्रिवेंद्र ने कहा कि प्रोजेक्ट बड़ा है, लिहाजा समय ज्यादा लगेगा। हालांकि प्रक्रिया जारी है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही फॉरेस्ट क्लियरेंस समेत अन्य अड़चनें दूर हो जाएंगी। हल्द्वानी में सीएम को आशा वर्करों के विरोध का भी सामना करना पड़ा। बता दें कि अपनी कई मांगों को लेकर सीएम को ज्ञापन देने के बाद कोई जवाब न मिलने पर आशा वर्करों ने अस्पताल के खिलाफ नारेबाजी की और रोष जताया। हर बार सरकार आशाओं की मांग पर केवल आश्वासन देती आ रही है, लेकिन उस पर कोई भी समाधान निकल नहीं पा रहा है, जबकि आशाएं दिन रात काम में जुटी हुई हैं, लिहाजा सरकार उनके बारे में सोचना छोड़ रखी है। कि हमारे साथ बिल्कुल नाइंसाफी हो रही है, हमें एक मजदूर बना दिया गया है। इतना बड़ा हॉस्पिटल है, ना इसमें हमारे रहने की सुविधा है। रात बिरात गांव से इतनी वर्करें केस लेके आती हैं, उनको किसी चीज की सुविधा नहीं है यहाँ पे। प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी मानदेय के लिए, हमने उनसे कहा था कि हमें मासिक मानदेय दिया जाए, लेकिन हमें कोई कुछ नहीं दिया गया। और आगे कह रही है सरकार करेंगे करेंगे करेंगे, पता नहीं कब करेंगे। बहुत जल्दी हम लोग की कोशिश होगी कि उनको जल्दी पूरा किया जाए और हफ्ता 10 दिन में ये अस्पताल में पेशेंट्स का जो भर्ती होने का काम है, इलाज का काम है, वो प्रारंभ कर दिया जाएगा। अभी अभी हमने लगभग 50 प्रोफेसर्स की मेडिकल कॉलेज के लिए हम भर्ती कर अभी हमने एक महीने में भर्ती की है, और लगभग 138 पद हमने विज्ञापित किए हैं, ताकि जो डॉक्टर्स की कमी है हमारे, विशेषकर जो मेडिकल कॉलेज हैं, उसको दूर किया जा सके। और आने वाले वर्ष में हमने 500 और डॉक्टर्स की हम भर्ती करेंगे। तो इस तरह से जो हमारे यहाँ 2700 पोस्ट हैं, लगभग वो पूरी भर जाएंगी। ये जो प्रोजेक्ट है, ये बड़ा प्रोजेक्ट है और इसमें तमाम फॉरेस्ट से संबंधित भी समस्याएं हैं, तो उनको जैसे वो दूर हो जाएंगी तो इसका निर्माण का कार्य प्रारंभ। हल्द्वानी में निकाय चुनाव में भले ही बीजेपी का प्रदर्शन मिला जुला रहा हो, लेकिन अब बीजेपी मिशन 2019 की तैयारियों को लेकर जनता से सीधे संवाद करने की कोशिशों में जुटी हुई है। लोकसभा चुनाव में वोटरों पर किस तरह की पकड़ बना रही है केंद्र सरकार की योजनाओं, आने वाले चुनाव में जनता की प्राथमिकताओं को जनता तक पहुंचाने के लिए कॉल सेंटर स्थापित करने जा रही है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री गजराज बिष्ट के मुताबिक एक्सपर्ट्स कार्यकर्ताओं को इस कॉल सेंटर में लगाया जाएगा, जो जनता की फीडबैक लेगी। इस कॉल सेंटर में करीब 50 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं को लाया जाएगा, जो चुनावों के समय पार्टी के लिए बेहतर रणनीति भी तैयार करेंगे और जनता की नब्ज भी टटोलेंगे। सभी कार्यकर्ताओं से, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से संवाद हो और नीचे जनता की समस्याएं सरकार तक और केंद्र तक पहुंचे, उन सब बातों को लेकर हम दोनों स्थान पर, हल्द्वानी में भी और देहरादून में भी कॉल सेंटर बना रहे हैं। और जिस प्रकार से निगम में जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला है, हमें पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी 2019 में पिछले बार के सीटों से भी अधिक सीटों के साथ केंद्र में स्थापित होगी। उत्तरकाशी में नगर क्षेत्र और चारधाम यात्रा का मुख्य विकल्प तिलोत पुल करीब 6 सालों से अपने पुनर्निर्माण की उम्मीद कर रही है। साल 2012-13 की आपदा के दौरान 102 किलोमीटर लंबे पुल का 22 मीटर हिस्सा पूरी तरह से बह गया था। उसके बाद 2 सालों तक स्थानीय लोगों की आवाजाही में दिक्कतों का सामना हुआ। वहीं लोक निर्माण विभाग ने 42 मीटर लंबे वैली ब्रिज का निर्माण कर तिलोत पुल पर आवाजाही शुरू की। लोक निर्माण विभाग ने पुल के निर्माण के लिए 8.39 करोड़ का अनुमानित बजट बनाकर शासन को भेज दिया है, जिस पर शासन ने 5.40 करोड़ की स्वीकृति देकर पुल निर्माण के निर्देश दिए और विभाग ने कार्य तो 1.5 साल पहले ही शुरू कर दिया। साथ ही स्कूली बच्चों के लिए लगातार दुर्घटना का खतरा बना रहता है, लेकिन उसके बाद भी लोक निर्माण विभाग की नींद नहीं खुल रही।
और डिपार्टमेंट के बीच में आर्बिट्रेशन में एक केस डाला गया था और अभी भी वो गतिमान है, लेकिन फाइनली कॉन्ट्रैक्टर को इस चीज़ के लिए एग्री किया गया है कि वो इस इम्पोर्टेंट काम को कंटिन्यू करें। इसी क्रम में अभी वापस से काम स्टार्ट हो गया है। एक्सीएन और ऐसी है उसे लगातार मॉनिटर करें और कोशिश हम ये करेंगे कि स्पीड अप करते हुए जल्दी से खत्म करवाए। जी यहाँ पे जो है 2012 के बाद बाढ़ आई थी, यहाँ पे पुल का निर्माण चालू हुआ था, तब से अब तक यहाँ पे कुछ भी काम नहीं हुआ है और इस तरह से भी थोड़ा काम नहीं, काम इतना स्लो चल रखा है सर। यहाँ पे धूल मिट्टी दुनिया भर की हो रही है, लोग परेशान हो रहे हैं और हम लोग भी परेशान हो रहे हैं धूल मिट्टी से। दुकान साफ करके थक जाते हैं सर, पर यहाँ पे बिल्कुल भी जितने भी ठेकेदार हैं कोई भी काम नहीं कर रहा ढंग से और इतना काम स्लो कर रखा है कि आप नागरिक को जो है ना बहुत परेशान कर। भेरीनाग के राजकीय इंटर कॉलेज में शिक्षकों की नियुक्ति की मांग को लेकर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत शिक्षक अभिभावक संघ अध्यक्ष नवीन आगरी ने स्कूली बच्चों के साथ तहसील मुख्यालय पर पहुंचकर बाजार में जुलूस निकालकर प्रदर्शन कर खंड शिक्षा कार्यालय पहुंचे। खंड शिक्षा अधिकारी तरुण पंत से शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होने पर रोष जताते हुए सभी कर्मचारियों को कार्यालय से बाहर निकालकर तालाबंदी की और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और कहा कि 2 महीने पहले 26 सितंबर को रायआगर में चक्का जाम करने के बाद अधिकारियों ने 15 दिनों में शिक्षकों की नियुक्ति का आश्वासन दिया था, लेकिन 2 महीने बीत जाने के बाद भी शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पाई है। क्या कहते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश आदि के टीचर नहीं है, इसलिए हम कैसे पढ़ाई कर सकेंगे? हमारे एग्जाम होने वाले हैं, इसलिए उनके इसलिए हम चाहते हैं कि कृपया करके हमारे स्कूल में जहाँ भी टीचर हो टीचरों को भेजने की कृपया कीजिए। अभी तक मतलब आंदोलन किया है उसका बिल्कुल भी कोई भी हमें मतलब जो है हमारा निष्कर्ष निकला रिजल्ट आया ही नहीं, तो जिसलिए हमें आज ये मतलब जो है दोबारा कदम उठा रहे हैं तो इसका अभी एक करेंगे हम कि मतलब जो है अभी 10 दिन के अंदर हमारा अभी ये इसका कोई समाधान नहीं होता है तो फिर हम चक्का जाम और जुलूस प्रदर्शन के साथ फिर धरना प्रदर्शन करेंगे उसके साथ। और एक हमारे मतलब जो है सहायक अध्यापिका अंग्रेजी जो बहुत 16/7/2016 से अबसेंट अवैतनिक चल रही है तो उसको या तो यहाँ से स्थानांतरण कर दिया जाए या तो फिर हटा दिया जाए। ये समस्या पहले भी हमें अवगत कराया गया था इससे और इसमें हमें मुख्य शिक्षा अधिकारी को इस पूरी समस्या से अवगत करा रहे हैं लेटर के द्वारा और जिला अधिकारी महोदय को भी हमने इसकी सूचना भेज दी। अपने इल्यूमिनाई मीट में भरत अग्रवाल ने कहा कि सचमुच अगर आप काबिल हैं तो काबिलियत आपके कदम चूमने में देरी नहीं लगाती, जो इसी यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र भी रह चुके हैं। आज 9 साल बाद कॉलेज आकर अपनी पुस्तक द लव एंड एंजल का विमोचन भी किया और इस मौके पर यूनिवर्सिटी के कुलपति और प्रतिकुलपति के साथ ब्रांडिंग डायरेक्टर सुधाकर राव और पूर्व साथी छात्र और अध्ययनरत छात्र छात्राएं इस मौके पर मौजूद रही। आज भले ही इस यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र भरत अग्रवाल देश की किसी जानी मानी कंपनी में बड़े पर्दे पर हों, पर आज भी ये अपनी काबिलियत का श्रेय अपने कॉलेज के पुराने छात्रों और अपने गुरुजनों के अलावा अपने माता पिता को देते हैं और अपने कॉलेज के वर्तमान अध्ययनरत छात्र छात्राओं को ये कहा कि अगर आप काबिल हैं तो काबिलियत आपके कदम जरूर चूमेगी। मिस्टर भरत अग्रवाल जी हमारे एलुमनाई हैं, बहुत ही अच्छे एलुमनाई हैं। उन्होंने स्टडीज़ के साथ बीटेक हमारे जहां इकफाई यूनिवर्सिटी देहरादून से किया है। उन्होंने भी अपने प्रोफेशनल कोर्स के साथ साथ अपनी हॉबीज़ को भी काफ़ी उजागर किया है, जिसमें कि वो एक अच्छे राइटर हो गए हैं। उन्होंने काफ़ी बुक्स लिखी हैं, उनमें एक जो काफ़ी पॉपुलर बुक है उनकी आई लव एन एंजल है, उसी पे आज इंटरेक्शन होगी स्टूडेंट्स के साथ। और हमारे ब्रांडिंग डायरेक्टर हैं मिस्टर सुधाकर राव, वो उनसे इंटरेक्ट करेंगे उस बुक पर। नेचुरली इससे कि हमारे जो करंट स्टूडेंट्स हैं उनको काफ़ी इंस्पिरेशन मिलेगा। सर पहली बात तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं वापस आ पाया 9 साल के बाद। 9 साल के बाद अपने कॉलेज में आना अपना एक आनंदमय एक्सपीरियंस रहता है, सो आई एम हैप्पी कि मैं वापस आया। और इतने साल के आने के बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि कॉलेज में काफ़ी चीज़ें सेम है जैसे हम लोग छोटे रहते हैं, जो बहुत अच्छी बात है अपना कल्चर मेंटेन रखना। और उसके बाद बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स हैं जो देख सकता हूँ मैं बच्चों में और लैबोरेटरीज में क्लासेज में और उनके ओवरऑल डेवलपमेंट में। अभी और मैं उनसे ये बोलना चाहूँगा कि जो भी कॉलेज दे रहे हैं 4 साल में जो भी ऑफर कर रहे हैं वो सब गेन करो और जितना मैक्सिमम गेन कर सकते हो गेन करो। कॉलेज को मत बोला कि तुमने दिया नहीं फिर, तो मैक्सिमम गेन करो और जितना पे बैक कर सकते हो कॉलेज को आफ्टर गेटिंग प्लेस्ड
वो करो, क्योंकि जो कॉलेज को तुमसे चाहिए बस वो तुम्हारा वोट ऑफ थैंक्स है आफ्टर गेटिंग प्लेस और आफ्टर कंप्लीटिंग फोर ईयर। तो अपना कर्म करो, कॉलेज अपना कर्म तो करिए, सर प्यार बहुत जरूरी है। तो मैं नहीं चाहूँगा कि किसी की लाइफ बोर हो जाए, तो बुक के थ्रू तो यही मैसेज है कि जो भी हार्डशिप तुम्हें अपनी लाइफ में आ रहे हैं, जो भी पेपर्स में प्रॉब्लम आ रही है, जो भी फ्रेंड्स में प्रॉब्लम आ रही है, उन सबको फेस करते हुए अच्छे से अपनी बैटरी को लिखते हुए प्यार भी कर लो थोड़ा सा, अगर कर पा रहे हो तो। भरत अग्रवाल और हज़ारों बच्चे जो इस यूनिवर्सिटी से दीक्षांत होने के बाद अलग अलग कंपनियों में जहाँ काम कर रहे हैं, लाइफ में जो तरक्की उन्होंने किया है और करियर में जो उन्होंने तरक्की किया है वो सराहनीय है। मेरे ख्याल में एक इक्फा एक ऐसा विश्वविद्यालय है जो सारा देश के अंदर इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स को ग्रेजुएट करती है, उसमें से क्वालिटी स्टूडेंट्स हर साल उभर के आते हैं। हम जहाँ स्टार्ट किए हैं वो मेरिट और एथिक्स के साथ, और उसी मेरिट और एथिक्स के साथ बच्चे आगे बढ़ रहे हैं और देश के अलग अलग शहरों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनका जो तरक्की हो रही है, वो उच्च पोजीशंस पे वो लोग जो काम कर रहे हैं वो सब देखने के लिए हमको बहुत खुशी होती है। इंस्टीट्यूट के एक ही बल होता है, वो है एलुमनाई। इंस्टीट्यूट एलुमनाई को बिलोंग करता है, इंस्टीट्यूट हमको बिलोंग नहीं करता है, इंस्टीट्यूट उनका है। हम लोग यहाँ पे 2 साल 3 साल या काम करके हम निकल जाएंगे, लेकिन इंस्टीट्यूट उनका है, लाइफ लॉन्ग उनके साथ रहेगी। इसीलिए एलुमनाई जो हमेशा विश्वविद्यालय के साथ वापस आ करके करंट स्टूडेंट्स को इस साल जो यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं उनसे बात करें, टीचर से बात करें, फैसिलिटीज़ देखें, सुझाव दें, और इंस्टीट्यूट के बढ़ावा के लिए उनके जो प्रिंसिपल्स और आइडिया सजेशंस रहेंगे वो इंस्टीट्यूट को आगे बढ़ाएगी। हरिद्वार के राजा जी टाइगर रिजर्व की मोतीचूर रेंज में सैलानी एक बार फिर वन्य जीवों का दीदार कर सकेंगे। हरिद्वार देहरादून सीमा पर इस रेंज को टाइगर ट्रांस लोकेशन के चलते 15 नवंबर को नहीं खोला गया था, जिसके बाद यहां आने वाले सैलानियों को मायूसी हाथ लगी थी। इसको देखते हुए पार्क महकमे ने यहाँ की पुरानी गश्ती मार्ग को दुरुस्त कर इस पर सफारी की इजाज़त दे दी है। पार्क महकमे के अधिकारियों ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर इस ट्रैक को खोले जाने की घोषणा की। अधिकारियों के ये पुराना गश्ती मार्ग था जब इसे ट्रैक का रूप दिया गया है। अधिकारियों के निर्देश पर इसे तैयार किया गया है। वहीं ट्रैक के खुले जाने के बाद पर्यटकों के चेहरों पर खुशी नजर आई। उनका कहना है कि वे कई बार यहां आ चुके हैं, यहां पर वन्य जीवों का दीदार बेहतरीन तरीके से किया जा सकता है। पौड़ी जिले से आए हैं और यहां पर हमने सुना है कि टाइगर बहुत अच्छा मिलता है और बाकी जानवर भी अच्छे मिलते हैं, एलिफेंट हो गया, आपके डियर हो गए। तो हम पहले भी आ चुके हैं इसमें और बाकी जंगल बहुत बढ़िया है, यहाँ का देखने के लिए अति सुंदर, बहुत अच्छा जंगल है। यहाँ पे बहुत सारे जानवर दिखाई देते हैं जंगलों में और मुझे यहाँ घूमना बहुत पसंद है। और मैं 15 तारीख को भी आई थी, उस वक्त यहाँ पार्क बंद था। तो आज आई हो इसलिए घूमने आ रखी हो। देखिए मोतीचूर में जो है हमारे यहाँ जो ईस्टर्न वाला हमारा पार्ट है वहाँ से वेस्टर्न पार्ट में जो है टाइगर को ट्रांसलोकेट करना था, जिसके तहत अभी कॉलिंग का भी काम करना था, इसलिए जो है हम लोग ये ट्रैक थोड़ा लेट खोल पाए हैं। और ये ट्रैक अब हमने जो है थोड़ा बदल दिया है, जो हमारा पुराना गश्ती जो मार्ग था उससे होते हुए माइक्रोवेव से होते हुए ये राजा रानी जो साल के दो पेड़ हैं उनसे वापसी जो है इसी ट्रैक पर वापस मिलेगा। और जल्दी हमारे जो है जो टाइगर ट्रांसलोकेशन वाला जो काम चल रहा है उस पर कार्य पूरा होने के बाद फिर से जो है लोगों को ये ट्रैक पूरा खोल दिया जाएगा जो है। हरिद्वार में पूर्व सैनिकों के हितों के लिए काम करने वाली संस्था सैनिक कल्याण परिषद की बैठक मेला नियंत्रण भवन में की गई। जिलाधिकारी दीपक रावत ने कई विभागों के अधिकारियों के साथ पूर्व सैनिकों की समस्याएं सुनी और उनके निवारण के निर्देश दिए। जिलाधिकारी दीपक रावत ने कहा कि सेवानिवृत्त सैनिकों की कई समस्याएं उनके समक्ष आई हैं, जिनमें जमीन, पेंशन, यातायात के साधन जैसी समस्याएं प्रमुख हैं। पूर्व सैनिकों की समस्याओं का निदान करना हमारी प्राथमिकता है, इसलिए हर 6 महीने के अंदर सैनिक कल्याण परिषद की बैठक आयोजित की जाएगी। वहीं पूर्व सैनिकों ने कहा कि सैनिक बॉर्डर पर देश की सेवा करने के बाद जब आम नागरिकों के बीच आता है तो उसकी समाज से कई अपेक्षाएं रहती हैं, लेकिन सरकारी कामकाज के लिए फाइलों में उलझ कर रह जाती है। इसीलिए जिले के पूर्व सैनिकों ने जिलाधिकारी को अपनी समस्याओं से रूबरू करवाया।
तो ये मीटिंग जो परिषद की जो मीटिंग करी थी, सैनिक कल्याण परिषद की मीटिंग करी थी, उसका उद्देश्य था कि जो हमारा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको सेंसिटाइज करने का, उनको अवगत कराने का, उनको बताने का कि इस डिस्ट्रिक्ट में इस तरह के लोग भी रहते हैं जिन्होंने इतने गौरवशाली काम करे हैं देश के लिए। बहुत सारी वीर नारियाँ रहती हैं, बहुत सारी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की विडोज़ रहती हैं, इनकी किस तरह की समस्या है, क्या इनकी वेलफेयर एक्टिविटीज़ हैं। विभिन्न विभिन्न ब्लॉक में, विभिन्न विभिन्न गांव से जो पूर्व सैनिक आए थे, उन्होंने अपने जो सरकारी काम इसमें जो उनकी कमियां थी या जो दिक्कत थी, उन्होंने डीएम साहब को अवगत कराया और डीएम साहब ने अब उनको अश्योर करा कि उन सबका निवारण होगा जल्द से जल्द। अंतराल के बाद हो पा रही है, 16 में पहले हुई थी। हमारे सैनिक भाइयों के बहुत सारे इसमें मुद्दे थे, कुछ तो ज़मीनों को लेके हैं, ज़मीनें आपकी जो रेगुलराइज नहीं हुई हैं, कुछ दाखों के मसले हैं, पुरानी ज़मीनें हैं जो उत्तराखंड बनने से पहले ख़रीदी गई थी अभी नहीं हो पाए, बस को लेके कुछ लोगों ने बताया, लालढंग में बहुत से सैनिक भाई हैं हमारे, इसका संचालन ठीक प्रकार नहीं हो रहा है, जीएमयू की गाड़ी नहीं रुकती है, और बहुत सी सरकारी सेवाएँ ऐसी हैं जिसके बारे में हम ठीक से जानकारी नहीं दे पाते हैं। तो इन सब मुद्दों को लेके आज ये बैठक यहाँ पर हुई है और हमने निर्णय लिया है कि इसको हम हर हाल में, हर 6 महीने में ज़रूर इन मुद्दों पर बैठेंगे। और मेरा सभी जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, आप सबसे भी मेरा अनुरोध है, निर्देश भी हैं कि हमें थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा सेंसिटिव सैनिक भाइयों की प्रॉब्लम्स को लेकर होना चाहिए, क्योंकि आप सर्वोच्च कुर्बानी देश के लिए देते हैं, बहुत मुश्किल हालातों में काम करते हैं, और जब रिटायर होकर हम लोग सिविलियन लाइफ में आते हैं तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम उनको ऐसा महसूस ना होने दें कि हम उनकी मदद नहीं कर रहे हैं। जसपुर में गाय की डेयरी में आधा दर्जन से अधिक गायों के मरने का मामला सामने आया है। गांव वालों की सूचना पर पुलिस ने डेयरी को खुलवाकर जहां पर कई गायों के कंकाल पड़े मिले और 3 गायों के शव मिले। प्रथम दृष्टया में गांव को चारा पानी न मिलने के कारण गायों की मौत होना माना जा रहा है, जबकि पुलिस ने मरी हुई गायों को मट्टी में दबाकर अन्य गायों का पानी चारा की व्यवस्था कराने के बाद मिली तहरीर के आधार पर डेयरी संचालक के विरुद्ध पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। 100 स्कूलों को पालेगा बजाज रुद्रपुर। जिला अधिकारी नीरज खैखाल ने राजकीय विद्यालयों में प्राइवेट स्कूलों के तहत आधुनिक गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने के लिए बजाज ऑटो लिमिटेड पंत नगर के सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत जानकी देवी बजाज ग्राम विकास संस्थान से सहयोग लेकर नई पहल शुरू की जा रही है, जिससे राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को अच्छे माहौल के साथ अच्छी शिक्षा उपलब्ध हो सके। जिलाधिकारी का कहना है कि विकास के मध्य 100 राजकीय विद्यालयों की मूलभूत आवश्यकताओं में सुधार के लिए आगामी 5 साल के लिए गोद लेने के लिए सामंजस्य अनुबंध कार्यक्रम एपीजे अब्दुल कलाम सभागार में आयोजित किया जाएगा। कंपनी की जो सीएसआर ब्रांच है जानकी देवी ग्राम विकास संस्था, उनके द्वारा 100 स्कूल्स को हमारे स्कूल अडॉप्शन प्रोग्राम के तहत अडॉप्ट किया गया है। इसके अंदर जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं कि सभी स्कूलों का कायापलट हो, सभी स्कूलों में अच्छी सुविधाएं, हमारे जो इनिशिएटिव MSR जो माननीय मुख्यमंत्री जी का है उसके माध्यम से, जो CSR कंपनीज का उसके माध्यम से किया जाए, उसी क्रम में आज CSR के जो हमारा ये इनिशिएटिव है 100 स्कूलों में पूरी कायापलट की जाएगी। इसके अंदर साइंस लैब्स इनके द्वारा बनाई जाएंगी, उसमें जो ई लर्निंग फैसिलिटीज़ हैं उसको भी सुदृढ़ीकरण किया जाएगा और जो इंफ्रास्ट्रक्चर और टीचर्स की ट्रेनिंग है उस सभी पर फोकस किया जाएगा। रुद्रपुर के कोतवाली पुलिस को तहरीर के माध्यम से पुलिस लाइन रुद्रपुर के डे केयर सेंटर में तैनात महिला हेड कांस्टेबल कुआसा शर्मा ने कहा कि अप्रैल 2018 में वो रुद्रपुर के वैशाली कॉलोनी में रहने वाली दंपति शिल्पी पाल मिश्र और उनके पति पुनीत मिश्र के संपर्क में आए थे। इस दौरान दोनों ने उन्हें कहा कि वे हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन का बिजनेस करते हैं और उनके उत्पाद खरीदने से बचत होती है, साथ ही लोगों को जोड़ने से मोटा मुनाफा भी होता है, लेकिन जब उनके जरिए इन्वेस्ट की बात कही तो कर मोटे मुनाफे की बात कही कि साथ में कुछ महीनों में उनकी रकम लौटाने की भी बात की गई। महिला हेड कांस्टेबल कुआसा शर्मा ने 1,00,000 रुपये हर्बल न्यूट्रिशन के कारोबार में लगा दिए, जिसे जैसे तैसे समय बीतता गया, वैसे ही लोगों का पैसा लौटाने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद उसने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुनीत मिश्रा और शिल्पी पाल, ये लोग यूपी साइड के रहने वाले हैं पूरनपुर में, और शिल्पी पाल के पिता मनोरंजन पाल जो कि वेटनरी फार्मासिस्ट हैं। शिल्पी पाल हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के नाम पे काम कर रही है करीब 8-9 सालों से, और पहले दिल्ली में थी, फिर बरेली में, बरेली से रुद्रपुर में। ये न्यूट्रिशन के नाम पे लोगों से लाखों रुपए लगवाते हैं, फिर उन पैसों को गोलमाल करके चले जाते हैं और शहर बदल बदल के ये काम कम से कम 8-9 सालों से कर रहे हैं।
और मेरे साथ इन्होंने भी ऐसे ही किया, मुझसे 2.5 लाख रुपए लिए, मुझसे एक साल तक काम करवाया और मेरे पूरे पैसे गड़प कर गए, और एक साल का इन्होंने मुझे कोई मेहनताना नहीं दिया, जिसकी मैंने FIR भी कर रखी है, ये है। और इससे पहले इन्होंने बरेली में भी कई लोगों से पैसे मांग रखे हैं, जिन्होंने पुलिस केस भी किया था, और वहाँ पर ये राजीनामा करके आए थे। तो राजीनामे की ये मेरे पास प्रति भी है, इसमें इन्होंने लोगों को राजीनामे के बाद जो चेक देना होता है कि मैं आपको पेमेंट दे दूँगी, वो चेक के तौर पर फर्जी चेक भी दे के आते हैं, जो कि कभी कैश नहीं होता। और लास्ट टाइम इन्होंने मुझे अपने क्लब में बुलाया शाम को करीब 7:30 बजे और मुझे कहा कि तुझे किस चीज़ के पैसे देने हैं। मैंने कहा भाई मैंने तुम्हारे साथ काम किया, मैंने 2.5 लाख रुपये लगाया, मुझे पैसे नहीं दोगे? तो मेरे साथ बदतमीजी करने लगे, गाली गलौज करने लगे, और फिर बाद में कहा कि मैं लेडीज़ हूँ, तुझे पता नहीं लेडीज़ की क्या पावर है, तेरे को ऐसी ऐसी धाराओं में फंसाऊंगी ना, तेरी जमानत तक नहीं होगी। अभी दो लोग अलग अलग लोग, एक पुलिस विभाग से भी है, एक दूसरा भी है, उनकी शिकायत आई थी कि न्यूट्रिशियन क्लब या ऐसे कुछ नाम से कुछ लोग धोखाधड़ी कर रहे हैं करके, तो उसमें FIR के लिए हमने कहा है, FIR करके विवेचना में जो भी तथ्य आएंगे उसे उसके हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। सितारगंज बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने नवनिर्वाचित पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे का सितारगंज मंडी में सभागार के फूलमालाओं के साथ स्वागत किया। नगर पालिका के नवनिर्वाचित पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे का स्वागत समारोह आयोजित कर सम्मानित किया गया। इस दौरान वकीलों ने उन्हें भारी वोटों से जीतने पर बधाई दी। इस मौके पर वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। चेयरमैन ने कहा कि वो जनहित की तमाम समस्याओं का समाधान करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने वकीलों को भरोसा दिलाया कि वो हमेशा सभी वर्गों का विकास करेंगे, इसके लिए चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़े, विकास के कामों में जनता वक्ताओं के प्रति हमेशा तैयार रहेगी। यह भी बहुत कम है किसी विधायक विधायकी की तैयारी के लिए, अभी बहुत वर्ष मुझे काम करना है, उसके बाद जनता सोचेगी कि क्या मुझे लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए, वो जनता का निर्णय होगा। और जो है कि मैं आपको कहना चाहता हूँ, अभी SDM महोदय यहाँ पता करता हूँ कि है कि नहीं है, मेरी प्राथमिकता रहेगी कि जो तहसील यहाँ आ गई है, जनता बहुत परेशान हो रही है, वो किन कारणों से यहाँ आई और क्यों वहाँ नहीं जा रही है, इन बिंदुओं पर मैं SDM महोदय से बात करने वाला हूँ, और शीघ्र से शीघ्र जो है कि वो हमारा तहसील वहाँ पहुँचे। वहाँ अराजी नवीस हमारे बेरोजगारी की स्थिति में आ गए, कई अराजी नवीस हमारे बेचारे ऐसे हैं जो जिनके घरों में चूल्हा मात्र इसलिए नहीं जल पा रहा है कि वो तहसील इन्होंने यहाँ पर जो है कि ट्रांसफर कर ली है। मुझे तो लगता है कि इसमें इनका, जैसा जहाँ तक मुझे ज्ञान हुआ है, कि इनका कहना यह है कि वो बिल्डिंग जर्जर हो गई है, और जर्जर होने के बाद जो है कि हमने यहाँ इसलिए ट्रांसफर कर दी कि उसका निर्माण कार्य प्रारंभ करें, लेकिन वो निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो रहा है और उन्होंने यहाँ कर दिया, काफ़ी बुरी स्थिति हो गई है। और अगर जो है कि ये शीघ्र वहाँ नहीं करते हैं, शीघ्र वहाँ पे अगर ये नहीं करते हैं, तो मैं फिर इनसे ये कहूँगा कि जितने भी अराजी नवीस हमारे वहाँ परेशान हो रहे हैं, उनकी तत्काल यहाँ व्यवस्था कराई जाए। लक्सर के नगर निकाय चुनाव के संपन्न होने के बाद एक बार फिर से अतिक्रमण हटाओ अभियान जिला प्रशासन ने शुरू कर दिया है। हरिद्वार के लक्सर में सरकारी जमीन पर बने कई अतिक्रमण तोड़े गए। SDM लक्सर के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के साथ यहां के खानपुर क्षेत्र में लक्सर रोड की मार्ग पर अभियान चलाया गया। अतिक्रमण हटाई गई टीम को लोगों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। लोगों ने बिना किसी नोटिस के पहले तो अभियान का विरोध किया, लेकिन अतिक्रमण हटाए जाने वाले प्रशासनिक टीम के सामने उसकी एक ना चली। बता दें कि SDM के नेतृत्व में यह अभियान आगे भी ऐसे ही जारी रहेगा। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश में ये अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लालचंदवाला गांव में की जा रही थी। इसमें पहले भी विगत समय में इनको अवगत करा दिया गया था, नोटिस भी दिए गए थे, लेकिन लगातार कहने के उपरांत भी इनके द्वारा कोई भी अतिक्रमण हटाया नहीं गया था। इसलिए आज प्रशासन के द्वारा, जिसमें पुलिस बल भी पर्याप्त मात्रा में था, और इससे प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन किया गया। इसके बाद भी जहाँ कहीं भी माननीय न्यायालय का आदेश होगा या कहीं भी अतिक्रमण की इस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी, निश्चित तौर से निमंत्रण पर हमारी कार्रवाई। फिलहाल इस वक्त उत्तराखंड बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।